हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ये जो जियोफोन है, इसकी जो यहाँ पर फ्लैश लाइट है, इसे ऑन कैसे करें, और भी कुछ सेटिंग्स जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें ऑन या ऑफ कैसे करें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले ये एरो अप के बटन को क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देखिए, ये है सिलेक्ट बटन। आप इस पर माइक बना हुआ है, आप ऐसे देख इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिलेक्ट बटन है। और आपको यहाँ पे इसके आसपास आपको चार बटन दिखेंगे जो कि ऐसे पतले पतले हैं। इनका नाम होता है एरो लेफ्ट, एरो राइट, एरो डाउन और एरो अप। ठीक है दोस्तों, और बीच वाले से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे कर्सर को हम लेफ्ट राइट अप और नीचे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, एरो अप यानी कि जो ऊपर की साइड है बटन, उस पर क्लिक करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने 9 सेटिंग्स आ चुकी हैं। और ये देखिए, जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट जो हिल रहा है, इसे हम कर्सर कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कई सेटिंग्स मिलेंगी, टोटल 9 सेटिंग्स हैं। और आपको यहाँ पर सेटिंग्स लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ, इसका मतलब है कि हम अगर ये जो जियो लिखा हुआ है, ये वाले बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग्स, पूरी सेटिंग्स खुल जाएंगी शॉर्टकट के लिए, अगर हमें डिटेल सेटिंग्स खोलनी है। लेकिन अगर हमें शॉर्ट सेटिंग्स खोलनी है तो वो यहाँ पर ही हैं। देखिए दोस्तों, आपको कुछ सेटिंग्स फेडेड दिखेंगी और कुछ ऐसे हाईलाइटेड। तो दोस्तों, जो ऐसे हाइलाइटेड हैं, इसका मतलब है, तो दोस्तों जो ऐसे हाइलाइटेड है, इसका मतलब ये ऑन है, और जो हाइलाइटेड नहीं है, इसका मतलब वो ऑफ है। जो थोड़ी सी फेडेड है वो ऑफ है, और जो हाइलाइटेड है वो ऑन है। तो दोस्तों, यहाँ पे 9 सेटिंग है, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको चार ऐसे बटन दिखते हैं माइक के आसपास, उस उन्हीं से आप ये कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेंगे ऑप्शंस, जैसे कि फ्लैशलाइट, वॉल्यूम, सेलुलर डाटा, कैलकुलेटर के लिए शॉर्टकट, ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरप्लेन मोड, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी हो तो, और कैमरा के लिए शॉर्टकट। ठीक है दोस्तों, तो हमें फ्लैशलाइट ऑन करनी है। अभी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैशलाइट है, ये फेडेड सी दिख रही है क्योंकि हमने इसे ऑफ़ करा है। इसे ऑन करने के लिए हम ये जो ब्लू वाला पार्ट हिल रहा है, इसे हम इन चार बटन्स की मदद से इस पर ले आएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये ब्लू हो गई है। अब हमें इसे ऑन करने के लिए सिंपली जो बीच वाला माइक वाला बटन है, यानी कि सिलेक्ट बटन, उससे इसे दबा देंगे और सिलेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी फ्लैशलाइट ऑन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।